नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 9 कक्षा 4 के तारे पाठ से संबंधित मौखिक कौशल और लिखित कौशल करवा दिया था। आप लोग मौखिक कौशल और लिखित कौशल के प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिख लिए होंगे। आज मैं इसी पाठ से संबंधित भाषा कौशल कराने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य लिखिएगा। भाषा कौशल में बच्चों आप लोग देखें, सही मेल मिलाओ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको सही मेल कराना है। जैसे आपका है पहला जन्म, आपका पहला है जगमग जगमग, दूसरा सपनों की और तीसरा सोने चांदी की, और इधर दिया है आपके वचन में दुनिया किरणें दिए। तो आप लोगों को जगमग जगमग सोने सपनों की सोने चांदी की से दुनिया किरणें और दिए इन्हीं तीनों से मिलाना है। तो बच्चों देखो, आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में इसे जगमग जगमग दिए से मिलाइएगा। जगमग जगमग दिए, इसको आप लोग दिए से मिला दीजिएगा। दूसरा है आपका सपनों की, तो सपनों की इसको आप लोग दुनिया से मिलाइएगा, सपनों की दुनिया। और तीसरा है आपका सोने चांदी की, तो सोने चांदी की किरणें, सोने चांदी की किरणें। तो इस तरह से बच्चों देखो, जगमग जगमग दिए, सपनों की दुनिया और सोने चांदी की किरणें, ये आपका सही मिलान है। आप इसे अवश्य अपने उत्तर पुस्तिका में मिलान कर दीजिएगा। इसके बाद ख नंबर देखें, नीचे दिए गए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखो। कुछ शब्द आपके दिए गए हैं, उनके समान कुछ और भी शब्द दिए गए हैं और उन्हीं से मिलता जुलता शब्द उन्हीं के समान आपको लिखना है। जैसे आता है माता, पृथ्वी, सूर्य, संसार, अंधेरा, दिया, आकाश और रात्रि, इन्हीं को आपको पहला है अंधियारा, दूसरा माँ, तीसरा सूरज, चौथा आसमान, पांचवा रात, छठवा धरती, सातवां दीप और आठवां दुनिया, इसी में मिलाना है आपको इसी से। तो बच्चों देखो, अंधियारा, अंधियारा का आप लोग अंधेरा से मिलाइएगा, अंधियारा का अंधेरा। अंधियारा का अंधेरा होता है, इसके समान अंधियारा के समान अंधेरा। इसके बाद दूसरा है माँ, माँ का माता, माँ का माता। सूरज, सूरज का सूर्य, और आसमान, आसमान का आकाश। आसमान का आकाश,
इसके बाद रात है तो रात का रात्रि, और इसके बाद आपका धरती, धरती का पृथ्वी, इसके बाद पांचवा है आपका, पांचवा छठ सातवा दीप, तो दीप का दिया, और लास्ट दुनिया, तो दुनिया का संसार लिख दीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अंधियारा समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है उनके सामने, तो अंधियारा का अंधेरा होता है, माँ का माता होता है, सूरज का सूर्य, आसमान का आकाश, रात का रात्रि, धरती का पृथ्वी, दीप का दिया और दुनिया का संसार, ये समान अर्थ वाले आपके हैं। इस तरह से आपका भाषा कौशल का क और ख समाप्त हुआ। इसके बाद बच्चों ग नंबर में देखें, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। कुछ शब्द आपके दिए गए हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है। जो शब्द दिए गए हैं वो उस वाक्य में आपके होने चाहिए, आने चाहिए, तभी वह वाक्य का प्रयोग जो होगा आपके द्वारा वह सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो पहला है आप लोगों का अंधियारा, तो अंधियारा को वाक्य प्रयोग करना है। इसमें आप लोग वाक्य प्रयोग कीजिएगा, सूर्यास्त होते ही अंधियारा होने लगता है। सूर्यास्त यानी सूर्य जब छिपता है, ढलता है, तो अंधियारा का आगमन होने लगता है, अंधियारा होने लगता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अंधियारा इस वाक्य में आया है, इसलिए यह वाक्य का प्रयोग सही है। नेक्स्ट है आसमान, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, इस वाक्य प्रयोग में भी आसमान शब्द आया है। तो आप लोग लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, आसमान में बादल छाए हुए हैं, आसमान का वाक्य प्रयोग सही है। इसके बाद दुनिया, तो दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया कैसी है, दुनिया बड़ी विचित्र है। इसके बाद नेक्स्ट है धरती, तो धरती भी हमारी माता के समान है, धरती का वाक्य प्रयोग आप लोग लिखिएगा, धरती भी हमारी माता के समान है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा है सूरज, सूरज पूरब दिशा में उगता है, तो सूरज किस दिशा में उगता है बच्चों, तो सूरज आप लोग जानते ही हैं कि पूरब दिशा में उगता है, धरती भी हमारी माता के समान है, और दुनिया के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि दुनिया बड़ी विचित्र है, आसमान में काले बादल छाए हुए रहते हैं, और इस तरह से अंधियारा यानी सूर्य जब ढल जाता है, अस्त हो जाता है, तो अंधेरा का आगमन होने लगता है। तो इस तरह से बच्चे ये आपका भाषा कौशल पाठ 9 तारे समाप्त हुआ। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में मौखिक कौशल और लिखित कौशल के प्रश्नों का याद अवश्य कीजिएगा, साथ ही भाषा कौशल भी लिखिएगा और एक पन्ना सुंदर राइटिंग अवश्य लिखिएगा। ये सभी चीज़ें आपकी देखी जाएगी स्कूल खुलने के बाद। आज इतना ही रहने दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बतलाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।